राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी विचार पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कालीबाड़ी पे मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा होर्डिंग्स लगाया गया है। अब गांधी विचार पदयात्रा निकाली जा रही है, भूपेश बघेल की तस्वीर लगी है, इसके अलावा मोहन मरकाम की तस्वीर लगी है, महापौर प्रमोद दुबे की भी तस्वीर लगी है, इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गांधी जी के विचारों को आम आदमी तक, जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, गांधी जी के आदर्शों के बारे में बतलाना चाहते हैं। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि गांधी विचार यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है। नहीं चाहते थे कि कभी भी देश में शराब, गुटखा, तंबाकू, जो भी नशे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार हो, वो बिके। लेकिन इसमें जो यात्रा निकल रही है, जिस जगह पर ये मंच बनाया गया है वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि एक और बाकायदा यहाँ पर विदेशी और देसी मदिरा शराब दुकान खुली हुई है। जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि शराबबंदी होना चाहिए, पूरे देश में शराबबंदी होना चाहिए, नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए, नशे के खिलाफ वो हमेशा थे। और उन्हीं के आदर्शों पे चलने की बात छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कह रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मदिरा दुकान है, विदेशी मदिरा दुकान, बगल में देसी मदिरा दुकान, और इसके जस्ट बगल से ही जो है यहाँ पर भव्य मंच बनाया गया है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुँचेंगे गांधी विचार पदयात्रा के लिए। मतलब अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि शराबबंदी होगी प्रदेश में, लेकिन फिलहाल जो है वो शराबबंदी दिखाई नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ में। और कहीं ना कहीं अब जो है भूपेश बघेल की गांधी विचार पदयात्रा विवादों में घिरती नज़र आ रही है, क्योंकि एक और जहां मदिरा की दुकानें सुबह से खुली हुई हैं और शराब दुकानों के बगल में ही ऐसे स्टेज बनाए गए हैं, ऐसे में अब जो है कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर समझ में आ रहा है।